यूपी पुलिस परीक्षा लीक पर FIR। सुनियो जी ढंग से पेपर लीक हुआ, इंस्पेक्टर की तरफ से दर्ज कराई गई FIR। अब पेपर रद्द होना लगभग तय हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के दावों पर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। इस बीच अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसके बाद लगभग कंफर्म हो गया कि ये लीक का मामला है, क्योंकि FIR खुद पुलिस की ओर से किया गया है। बता दें कि 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद से ही पेपर लीक होने के दावे सोशल मीडिया पर किए जाने लगे। हालांकि लगातार यूपी PRP की तरफ से इन दावों का खंडन किया गया। अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि 18 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में पेपर लीक हो गया था। वहीं इस शिफ्ट में पेपर के दौरान लखनऊ में पकड़े गए एक अभ्यर्थी से बरामद नकल की पर्ची के आधार पर एक FIR दर्ज करवाई गई। FIR उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी ने दर्ज करवाई है। यूपी तक की खबर के मुताबिक 18 फरवरी को दूसरी पाली में हो रहे परीक्षा के दौरान सिटी मॉडर्न एकेडमी अलीपुर में परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी सत्य अमन कुमार के पास से हाथ से लिखी हुई नकल की पर्ची बरामद की गई थी। हालांकि जैसे ही हाथ से लिखी गई पर्ची बरामद हुई तो पुलिस का शक गहरा गया था। पुलिस ने मेन पेपर से जैसे ही इसका मैच किया तो निकला कि जवाब उन्हीं का दिया गया है जो प्रश्न पत्र में आया था। हालांकि केवल क्रम बदला गया था। यूपी तक की खबर के मुताबिक पकड़े गए अभ्यर्थी ने बताया कि पेपर उसे व्हाट्सएप पर भेजा गया था, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों का कहना है कि एक दो दिन की चार पालियों में करवाई गई भर्ती परीक्षा में 17 और 18 फरवरी की दूसरी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था। 18 फरवरी की शाम 3 से 5 की पाली का जैसे ही पेपर देकर बच्चे निकले और उन्होंने मिलान किया तो पता चला कि पेपर वही आया था। इधर आशंका जताई जा रही है कि कथित तौर पर पेपर लीक खुद एजेंसी जिसने UPPRB के लिए पेपर बनाया उसी ने करवा दिया। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, क्योंकि मामला लगातार गहराता जा रहा है और इस बीच सारे दावों की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा खुद की जा रही है। गठित कमेटी ने आज अभ्यर्थियों की ओर से दावों के अनुसार उनकी वायरल पेपर की मांग की गई है। हालांकि पुलिस अपने एंगल से खुद जांच कर रही है, क्योंकि वायरल पेपर हाथ से लिखा गया है जबकि पेपर तो प्रिंट होकर आता है। कुल मिलाकर अब लगभग तय हो चुका है कि इस बार के पेपर का कैंसिल होना तय हो सकता है, क्योंकि लगातार पेपर लीक की खबरें तूल पकड़ती जा रही हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में ये पेपर लीक कराया गया था या लीक हुआ था, या आपको लगता है कि एजेंसी ने खुद इस तरीके की काम को अंजाम दिया है? बहरहाल अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो अपनी जानकारी यहां मुहैया कराएं, जिसके बाद प्रशासन को इन चीजों पर खुद एक्शन लेना पड़े। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी के हम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके रखें 1 इंडिया हिंदी को।